अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं, वो है वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर। तो आज हम ये समझेंगे सबसे पहले कि वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर्स क्या होते हैं और इनकी फंक्शनैलिटी क्या है। इनकी फंक्शनैलिटी को समझने के लिए मैं आपको एक सिनेरियो से गुजारता हूँ। वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर्स जो है ये वो वाली डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है, जो कि हमारा मॉनिटर एलसीडी या टीएफटी या जो भी हमारी आउटपुट डिवाइस लगी हुई होती है उसे एज अ आउटपुट जो प्रोवाइड करना है डाटा वो किसने करना है, वो वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर जिसे हम आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं इसने उसे डाटा प्रोवाइड करना है। अब हो सकता है कि हमारा जो मॉनिटर हमने खरीदा हुआ है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, बहुत शार्प जो है वो इमेज प्रोड्यूस कर रहा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम उसे प्रॉपर तौर पे इनपुट ही नहीं दे पा रहे उस तरह की, जिस तरह का इमेज वो प्रोड्यूस करना चाह रहा है उस तरह की इनपुट ही हम उसे प्रोवाइड नहीं कर सके अभी तक। तो क्या वो उस क्वालिटी का इमेज, जिस क्वालिटी का वो मॉनिटर है, क्या उस क्वालिटी का इमेज प्रोड्यूस कर सकेगा? बिल्कुल भी, डेफिनेटली वो इमेज प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। तब तक उस क्वालिटी का इमेज वो प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा जब तक हम उसे उस क्वालिटी की इनपुट प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर्स जो हैं ये बेसिकली कंप्यूटर के अंदर आफ्टर प्रोसेसिंग, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद उसने आउटपुट देनी होती है मॉनिटर को। तो जो आउटपुट मॉनिटर को दे रहा होता है वो कौन होता है? वो वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर होता है। तो जैसा वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी होगी उसकी, अच्छी बेहतर क्वालिटी प्रोड्यूस होगी। मॉनिटर अगर फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा है लेकिन हम उसे अगर अच्छी क्वालिटी का इनपुट नहीं दे रहे हैं तो वो डेफिनेटली उसे अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा इमेज। इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह से देता हूं कि देखें, जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप किसी क्लास को पढ़ाने के लिए कोई पीएचडी स्कॉलर जो है वो बाहर से मंगवा लें और वो बहुत हाई फाई जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है वो लेसन तैयार करे और वो डिलीवर करे, लेकिन उसे सुनने वाले ही अगर जो है वो उस कैलिबर के ना हो, उस लेवल के ना हो, तो डेफिनेटली उन्हें उसका कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है जो वो बातें पीएचडी जो है बंदा जो है वो करेगा। तो यही एग्जांपल यहां पे है कि अगर फॉर एग्जांपल आप, आपका जो सीपीयू है, आपका जो कंप्यूटर है वो अच्छी क्वालिटी का इनपुट जो है वो नहीं प्रोवाइड कर रहा उसे मॉनिटर को, तो डेफिनेटली मॉनिटर बेशक जितना मर्जी अच्छा हो लेकिन वो उस क्वालिटी को डेफिनेटली पिक नहीं कर सकेगा, उस क्वालिटी को का इमेज प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। तो हम इसे समझने के लिए कुछ पॉइंट्स, मैंने इसके कुछ की पॉइंट्स जिसे सेलियंट पॉइंट्स कहते हैं वो मैंने लिखे हैं, उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, ए डिस्प्ले, वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर इज अ कार्ड या सर्किट बोर्ड दैट इज प्लग्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम टू परफॉर्म ग्राफिक्स प्रोसेसिंग। तो डेफिनेटली ग्राफिक्स की जो प्रोसेसिंग है वो कौन पर जो है वो परफॉर्म करता है? वो वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर परफॉर्म करता है। इट इज आल्सो कॉल्ड ग्राफिक्स कार्ड, इसे ग्राफिक कार्ड भी कहा जा सकता है, वीडियो कार्ड भी कहा जाता है। इट यूजेस पीसीआई इंटरफेस, तो ये जो स्लॉट होती है ना इसके अंदर आपके मदरबोर्ड के ऊपर, कौन सी स्लॉट को ये यूज करता है? ये पीसीआई स्लॉट को यूज करता है। पहले जो हमारे सिस्टम होते थे वो पीसीआई को भी यूज करते थे, अडॉप्टर कार्ड्स होते थे, और एजीपी स्लॉट होती है, स्पेशल स्लॉट एक होती थी छोटी, थोड़ी सी छोटी स्लॉट होती है। देखिए आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर के अंदर जब मदरबोर्ड के ऊपर कुछ स्लॉट्स ही बनी हुई होती हैं व्हाइट कलर की, ब्लैक कलर की या ग्रे कलर की, तो वो स्लॉट्स होती हैं जिनके अंदर कार्ड्स पंच किए जाते हैं उन्हें स्लॉट्स कहा जाता है। तो ये बेसिकली पीसीआई स्लॉट को यूज करता है, लेकिन पिछले जो हमारे कंप्यूटर्स होते थे उनमें एजीपी स्लॉट जो छोटी स्लॉट होती थी गालबन ग्रे कलर की वो होती थी, उसके अंदर भी आप इस कार्ड को पंच कर सकते हैं। एक और मजीद बात मैं आपको ये बताऊं कि बिल्ट इन हमारे पास जो वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर्स आ रहे हैं वो कंप्यूटर की जो होती है मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर ही चिप उसकी लगी हुई होती है, अलग से आप उसे प्लग नहीं करते बल्कि बिल्ट इन ही वो आ रहे होते हैं आपके मदरबोर्ड के ऊपर। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी चाहते हैं, अच्छा आप रिजल्ट चाहते हैं, तो आप खुद से एक वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर, अच्छी क्वालिटी का वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर जो है वो खरीद के तो आप पंच कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट डिटरमाइंस द मैक्सिमम रेजोल्यूशन, यही डिफाइन करता है जो वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर है। मॉनिटर जो है वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम में जो कार्ड लगा हुआ है जो इनपुट देगा उस मॉनिटर को वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। क्या क्या ये डिटरमाइन करता है ये वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर? इसमें यह रेजोल्यूशन डिफाइन करता है कि कितनी रेजोल्यूशन मैक्सिमम हो सकती है, कलर डिफाइन करता है, और रिफ्रेश रेट जो कि हम पिछले लेक्चर में इन तमाम पॉइंट्स को हमने वन बाय वन डिस्कस किया है। तो क्या क्या डिफाइन करता है? रेजोल्यूशन डिफाइन करता है, कलर और रिफ्रेश रेट एक्स्ट्रा, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो कौन डिफाइन करता है? वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर जो है वो डिफाइन करता है। अच्छा, ये वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर जो काम परफॉर्म करता है दो स्टेप्स में करता है। फर्स्ट स्टेप को क्या कहते हैं? फर्स्ट स्टेप में क्या करता है ये रेंडरिंग करता है, एड फ्रेम्स एंड टेक्सचर, ये क्या करता है फ्रेम्स को क्रिएट करता है और उनका टेक्सचर डिफाइन करता है,
और सेकंड स्टेप में जो उसके पास जो इमेज जो है वो क्रिएट हो चुका होता है उसे क्या करता है, कन्वर्ट फ्रेम बफर्स इनटू सिग्नल। फ्रेम बफर्स जो उसके पास रैम के अंदर आ गए होते हैं, जो सिग्नल उसके पास जो डाटा आ चुका होता है उसे क्या कहते हैं, उसे फ्रेम बफर्स कहते हैं। तो उसे वो किसमें कन्वर्ट करता है, सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है आपका जो डिस्प्ले अडाप्टर है, और फिर वो किसे ट्रांसफर करता है, मॉनिटर को ट्रांसफर करता है। तो सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के बाद वो आपके मॉनिटर को ट्रांसफर करेगा। तो यहां तक जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमने देखी है वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर की, तो यहां तक हमने ये देखा है कि भाई मॉनिटर आपका जो है वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और आपका जो वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर है ये भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, फिर ही आप जो है वो बेहतर जो है वो क्वालिटी का इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम डिफरेंट जो हमारे पास वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर्स हैं जहां से वो शुरू हुए हैं ना, तब से हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर आया था वो था CGA, CGA अडाप्टर था, कलर ग्राफिक्स अडाप्टर था। ये IBM ने 1981 में अडाप्ट किया था। इससे पहले मोनोक्रोम हुआ करते थे, मोनोक्रोम वाले जो एक ही ब्लैक एंड व्हाइट जिसे आप कहते हैं तो वो हुआ करते थे। तो ये कलर 1981 में जो है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यही सबसे पहले जो है वो PC इन्होंने मुतारफ करवाया था। पर्सनल कंप्यूटर जो हम आज इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले किसने मुतारफ करवाया था, IBM ने। तो इसकी रेजोल्यूशन क्या थी, 320x200, और ये 4-bit जो है ये अडाप्टर था। इसके बाद ये 16 कलर्स को सपोर्ट करता था, यानी कि 2^4=16, 16 कलर्स जो थे ये प्रोड्यूस कर सकता था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आई EGA, EGA ये वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर हमारे पास कौन सा आया, नेक्स्ट EGA आया। इट वाज आल्सो डेवलप्ड बाय IBM इन 1984। तो ये कितना, इसकी रेजोल्यूशन कितनी थी, 640x350, और ये भी 4-bit था, और ये भी 16 कलर्स को सपोर्ट करता था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आया VGA आया, जिसे आज तक हम याद करते हैं, जो हमने जब इस्तेमाल करना शुरू किया कंप्यूटर को, तो तब वहां पे कंप्यूटर्स के अंदर क्या हुआ करता था, VGA कार्ड हुआ करता था। जो मॉडर्न कंप्यूटर्स आए थे उनमें सबसे पहले VGA कार्ड ही इंट्रोड्यूस हुआ था। ये वीडियो ग्राफिक एरे है, और इसकी दो रेजोल्यूशन है हमारे पास, एक तो 16-bit की अगर बात करें, 16 कलर्स की बात करें तो 320x200 ये रेजोल्यूशन दे सकता है। अगर 256 की कलर्स की बात करें तो 640x480, ये भी 4-bit जो है ये हमारे पास अडाप्टर कार्ड है, और इट सपोर्ट्स 16 to 256 कलर्स डिपेंड अपॉन दी स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो स्क्रीन जो आपका मॉनिटर है उसकी रेजोल्यूशन पे ये डिपेंड करेगा कि ये 256 कलर्स लेगा या फिर 16 कलर्स लेगा। इसके बाद है SVGA, सुपर वीडियो ग्राफिक आ रहे था, इसकी भी दो रेजोल्यूशन है, 800x600 या फिर 1024x768। तो ये 8-bit जो है ये ऑपरेटिंग वीडियो जो है वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर था, और सपोर्ट करता था 256 कलर्स को। और आमतौर पे जो 15-inch जो हमारे पास मॉनिटर्स आते थे वही उनमें ये हमारा सुपर वीडियो ग्राफिक एरे जो है हम इस्तेमाल करते थे। इसके बाद XGA है, XGA कहा जाता है एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे को। ये 1024x768 जिसकी रेजोल्यूशन होती थी, 16-bit हुआ, और ये कितने कलर्स को सपोर्ट करता था, ये बहुत ही ज्यादा कलर्स को सपोर्ट कर सकता था, यानी कि 16.7 मिलियन कलर्स। और आमतौर पर 17 या 19 के जो इंच के हमारे मॉनिटर्स होते थे उनमें XGA इस्तेमाल हुआ करता था। इसके बाद है SXGA, यानी कि सुपर XGA, सुपर एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे। ये 1280x1024 जो है ये रेजोल्यूशन हमें दे सकता है। इसके अलावा 16 से 32 bit तक इसकी जो है वो ये था अडाप्टर कार्ड था, और इट प्रोवाइड 5:4 एस्पेक्ट रेशो। तो एस्पेक्ट रेशो कितनी ये प्रोवाइड करता था, 5:4, जबकि पहले क्या इस्तेमाल होती थी, 4:3। इसके बाद हमारे पास जो ये काफी सारी बहुत लंबी लिस्ट है, और ये तकरीबन ये 23rd ये हमारे पास ये वाला है, इसके बाद बहुत सारे इसके दरमियान में भी आ चुके हैं, लेकिन मैंने ये लास्ट वाला लिखा है क्योंकि सारे जो है अडाप्टर कार्ड थे उन्हें लिखना पॉसिबल नहीं था यहाँ पे, तो मैंने ये सभी को यहाँ पे जो है वो वाइंड अप इस तरह से किया कि ये लास्ट वाला जो हमारे पास आजकल जो आया लेटेस्ट आया वो ये है, जिसे कहते हैं वाइड हेक्स अल्ट्रा XGA एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे। ये कितनी रेजोल्यूशन देता है, 7680x4800, और ये इट इज 16 hex times greater than WXGA, जो इससे पिछला वर्जन था इस वीडियो अडाप्टर कार्ड का, इससे पिछला वर्जन था वो क्या था, WUXGA, और इसकी रेजोल्यूशन क्या थी, 6400x4800। तो इससे ये कितना 16 टाइम्स है ये इससे बड़ा
जो है वो हमारा वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी और आपने इसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।